हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ। एक नया हेडिंग है और वो क्या है? मोललता। क्या है मोललता? इसके पहले मैं नॉर्मलता और मोलरता बता चुका हूँ। ये है मोललता, ठीक है ना? तो सेम मैं अभी फार्मूला बताऊँगा, तो फार्मूला से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना पड़ेगा। क्या है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के, फिर से देखिए, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या क्या है? अणुओं और मोलों की संख्या क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अणुओं या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? फिर से एक बार देख लीजिए, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। स्मॉल एम इक्वल टू, और इसका मात्रक, पहले मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलो ग्राम क्या होता है? ग्राम होता है, ठीक है ना? तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। किसका मात्रक? मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। यह किसका फॉर्मूला है? मोललता का फॉर्मूला है, सॉरी, मोललता का मात्रक है। अब फार्मूला देख लेते हैं। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या होता है? मात्रा प्रति अणुभार बटे विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार, ठीक है ना? देखिए क्या होता है, स्मॉल एम इक्वल टू मात्रा प्रति अणुभार बटे विलायक का भार। किसमें विलायक का भार? किलोग्राम में ही लेना है, किलोग्राम में विलायक का भार किलोग्राम में। एक बार फिर से देख लीजिए फटाक से जल्दी जल्दी, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में धुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं, ध्यान दीजिए, ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इक्वल टू मात्रा प्रति अणुभार बटे विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।